Hello friend, welcome to our software engineering class from Ulta Ghari. Here I am Rinku, and in this section we discuss about testing. So the main goal of testing is to identify all defect or bug in a program. Okay, testing involves the following activities. Those are first test suite. A test suite is a collection of all cases with which a given software product is tested. Then next, test case. A test case is a collection of three items. First item is the data input of the system. Next item is the state of the system at which the data is input. And third item is the expected output of the system. Next, error, bug or defect. An error is the mistake committed by the development team during any development phase. Next, failure. Failure is the manifestation of an error, other defect or bug. A failure is the symptom may not essentially lead to a failure. Next and fifth, verification and validation. This is most important. Verification is consumed with phase containment of error. On the other hand, the end of validation is to make the final product error free. ओके सो इस क्लास पे हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल का जो टेस्टिंग फेज है उसको डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके, टेस्टिंग फेज का काम क्या था? टेस्टिंग फेज का मेन काम था जो एक प्रोग्राम पे एरर और डिफेक्ट होता है उसको आइडेंटिफाई करना. और टेस्टिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटीज. जो फर्स्ट है वो है टेस्ट सुइट. टेस्ट सुइट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल केसेस विथ विच अ गिवन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज टेस्टेड. मतलब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जिस केस लेके टेस्टेड होता है उस केस को लेके केस का कलेक्शन को हम टेस्ट सुइट कहते हैं. ओके, तो नेक्स्ट फेज पे हम आते हैं. वहां पर क्या है? टेस्ट केस. मैंने पहले भी कह चुके हूँ टेस्ट केस को लेके टेस्ट सुइट होता है. फिर टेस्ट केस किसे कहते हैं? टेस्ट केस इज अ कलेक्शन ऑफ थ्री आइटम. देखिए पहले से टेस्ट केस लेके टेस्ट सुइट होता है और टेस्ट केस किसे कहते हैं? टेस्ट केस इज अ कलेक्शन ऑफ थ्री आइटम. कौन कौन सा? वो फर्स्ट जो आइटम है वो है डेटा इनपुट ऑफ द सिस्टम. जो सिस्टम पे हम डेटा इनपुट करते हैं वो है फर्स्ट आइटम. ठीक है, नेक्स्ट आइटम इज स्टेट ऑफ द सिस्टम एट व्हिच द डेटा इज इनपुट. नेक्स्ट स्टेप इज जिस स्टेप पे हम डेटा को इनपुट करते हैं वो है सेकेंड आइटम. थर्ड आइटम क्या है? एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ द सिस्टम. थर्ड आइटम इज आउटपुट. हम पहले क्या करते हैं? इनपुट देते हैं. ठीक है, कौन कौन स्टेप पे इनपुट देते हैं वो एक हुआ, और उसके हिसाब से कंप्यूटर हमें क्या करते हैं? एक आउटपुट देता है वो और एक आइटम. सो इनपुट एक आइटम, स्टेप पे जो इनपुट हम दे रहे हैं वो एक आइटम, और वो हमें फीडबैक के लिए जो आउटपुट दे रही है वो एक आइटम. इन तीनों आइटम के लिए एक आइटम को एक साथ लेके टेस्ट केस होता है. और जितना सारा टेस्ट केस लेके एक सॉफ्टवेयर टेस्टेड होता है वो सारे टेस्ट केस को एक साथ हम कहते हैं टेस्ट सुइट. ओके, नेक्स्ट एरर, बग और डिफेक्ट. यहाँ पे टेस्टिंग का मेन काम क्या है? एरर को आइडेंटिफाई करना. सो फिर एरर क्या है ये बताती हूँ. एन एरर इज द मिस्टेक. एरर का मतलब है जब हम एक प्रोग्राम टाइपिंग करती हूँ तब क्या होता है, कुछ मिस्टेक वगैरह हो जाता है. वो मिस्टेक प्रोग्राम पे जो मिस्टेक ऑकर होता है वो उसे कहते हैं एरर. उसे आप बग भी कह सकते हो और डिफेक्ट भी कह सकते हो. ठीक है,
बाद आते हैं फिलर। फिलर किसे कहते हैं? फिलर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ एन एरर। मैनिफेस्टेशन मतलब क्या है? मैनिफेस्टेशन इज क्लियरली शो द एरर। इसका मतलब क्या है? फिलर जो है वो है एरर को, हम एरर को दिखाता है कि यहाँ पे एरर आया है, क्लियरली शो करता है, वो है फिलर। ऑन द अदर हैंड वी से दैट ए फिलर इज द सिम्टम ऑफ एन एरर, एरर का ही सिम्टम। बट मोर प्रीसियसली और भी क्लियरली हम कह सकते हैं नेसेसरी लीड ऑफ अ फिलर, एरर मे बी नेसेसरी लीड ऑफ एन फिलर। फिलर जो है उसको लीड करता है एक एरर। ओके, नेक्स्ट और फाइनल फेज इज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है इस टाइप का, डिफरेंस ऑफ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ये कोई भी एग्जाम पे, BCA कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में हम यहाँ पे लिखा है कुछ वो देखते हैं। वेरिफिकेशन इज कंज्यूम विथ फेस कंटेनमेंट ऑफ एरर। अदर हैंड द इन ऑफ वैलिडेशन इज द मेक द फाइनल प्रोडक्ट एरर फ्री। इसका मतलब क्या है? वेरिफिकेशन जो है यहाँ पे क्या होता है, हमें अलर्ट किया जाता है कि यहाँ पे एरर है। और वैलिडेशन पे क्या है, जो एरर अलर्ट हुआ है वेरिफिकेशन के अंदर उसको हटाया जाता है, फ्री किया जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा टेस्टिंग का काम शॉर्ट फॉर्म पे, मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। तो आज के क्लास पे टेस्टिंग का ही काम था यह तक। ओके, इसके बाद है टेस्टिंग इज मेनली टू टाइप, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जिसे हम ग्लास टेस्टिंग और स्ट्रक्चरल टेस्टिंग भी कह सकते हैं, अदर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हम फंडामेंटल टेस्टिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है उसके अंदर इंटरनल प्रोग्रामिंग का, इंटरनल स्ट्रक्चरिंग जो नॉलेज है उसका ज़रूरत है, लेकिन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पे स्ट्रक्चर नॉलेज का कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को फंडामेंटल टेस्टिंग कह सकते हैं और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को स्ट्रक्चरल टेस्टिंग कह सकते हैं। ओके, ये जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है इसको हम नेक्स्ट क्लास पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ अटेंड कीजिए मेरा नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट, सो थैंक यू फॉर अटेंड माय टुडे क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट अनदर क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो अटेंड माय नेक्स्ट क्लास एंड सब्सक्राइब माय चैनल उल्टा घड़ी। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरा चैनल उल्टा घड़ी। एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।